हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज मैं जा रहा हूँ पंतनगर किसान मेला। तो मेला लग गया है 17 तारीख से और है आज 18 तारीख। तो आज समय मिल गया मेरे को और फिलहाल मैं जो हूँ पंतनगर गेट के अंदर आ चुका हूँ। तो अब चलते हैं मेले में और आज का जो मेला है, इस साल मेला कैसा लगा है ये आपको दिखाते हैं। वैसे हम हर साल जाते हैं लेकिन यहाँ पर जो है साल के दो बार मेला लगता है। तो दोस्तों, यह है मत्स्य विज्ञान केंद्र। तो यहाँ जो है मच्छी पालन किया जाता है, फिश सीट हाइब्रिड। तो यहाँ जो है बहुत ज़्यादा अभी ट्रैफिक है और दाएं बाएं लग गई हैं गाड़ियाँ, ये देखो। तो हम भी देख रहे हैं यहाँ पर पार्किंग कहाँ की जाए गाड़ी। वैसे यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए तो काफ़ी जगह है। तो दोस्तों, अभी जो है यहाँ पर हमें पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है और हम देख रहे हैं कि गाड़ी कहाँ पार्क की जाए जहाँ पर हमारी गाड़ी सेफ रहे। तो भीड़ बहुत है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो मेरे को लगता है आगे पार्किंग की जगह तो नहीं मिलेगी। ये देखिए, चलें फिर कमलेश भाई। ये देखो कमलेश भाई जो है पहले चेहरा देख रहे हैं कि मैं सही लग रहा हूँ या नहीं। स्मार्ट हो यार कमलेश भाई, तुम टेंशन मत लो। भाई बहुत गंदा रास्ता है, इतनी धूल। पंद्रह के अंदर इतनी सफाई इतनी अच्छी रहती थी पहले कभी, और आज जो है रास्ता बिल्कुल ख़राब हो गया। भाई कह नहीं सकता हूँ क्या कहूँ पंद्रह के बारे में। और फिलहाल जो है बहुत अच्छी जगह ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल जो है रोडों की वजह से थोड़ा ख़राब हो रहा है। चलो मेला देखते हैं। मेले के अंदर जाते ही जो है बगल पर लगे हैं बच्चों के खिलौने और यहाँ पर जो है बड़ी गाड़ी अंदर न ले आए कोई करके, तो उस तरह से जो है बैरियर भी बनाया गया है। अभी अभी जो है हमारे कमल भाई का जो है गैम्बल साथ छोड़ दिया है, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। और ये देखिए, अभी करते हैं जुगाड़ इसका। अब जो है कमल भाई का गैम्बल ठीक हो गया है, ये रेडी है ब्लॉग बनाने को। और अब जो है बिना देरी किए अब हम मेला दिखाते हैं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिलती है और किस तरह का मेला है, तो जल्दी से दिखाते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको पंतनगर विश्वविद्यालय बीज उत्पादन केंद्र। तो ये लगा है देखो, तो यहाँ पर आए हैं किसान भाई लोग बीज लेने हाइब्रिड, जिससे कि इनकी पैदावार बहुत अच्छी हो सके। और कुछ लोग वेटिंग कर रहे हैं, शायद इनका नंबर आने में वेट लगेगा। कुछ लोग तो बीज ले चुके हैं, ये देखें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। आप कहाँ से आए हो? ये आए हैं रामपुर से, यहाँ से जो है 50-60 किलोमीटर दूर की दूरी पे है। तो यहाँ पर जो है सभी किसान भाई लोग ही हैं, तो काफ़ी दूर से आए हैं। यह है किसान मेला। तो यहाँ पर जो है अधिकतर जो है बीज पौधे इस तरह की चीज़ें ही, कृषि से संबंधित चीज़ें ही मिलती हैं। तो यहाँ पर है चारे के लिए हाइब्रिड चरी, तो इसमें जो है बोने की डेट भी लिखी गई है। तो ये देखिए, तो इसमें बुआई का जो डेट दिया गया है मोबाइल नंबर, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो चरी है इसकी जो बुआई की तिथि है वह है 22 जून, तो आप समझ सकते हो कितनी गर्मी के मौसम में ये तैयार किया जाता है। और ये जो है अभी तीसरी कटिंग में चल रहा है इस वक्त, जो अक्टूबर का महीना है। ये है न्यूट्री फिट और इसकी जो है 60 दिन में ये हाइट है। देखिए 2 महीने में ये इतना बड़ा हो जाता है, 6 फीट से ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर जो है हाइब्रिड चेरी, हाइब्रिड फ्रूट, हर तरह की चीज़ें आती हैं। तो और चार से छः कटे दे देता आपको। यह है मेगा स्वीट, तो इसमें जो है जूस की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब ये चारा जो है जानवरों को खाने में आसान होता है, नरम होता है। और अभी अगस्त में जो बोया गया तो अभी जो है इसकी फिट जो है अभी ये 7 फिट का है, तो ये बता रहे हैं कि ये 15 फिट तक चला जाता है। तो एक सिंगल कट में आता है, मतलब एक बार ही आप इसको यूज़ कर सकते हो, दोबारा ये नहीं आता है जड़ से। तो दोस्तों अभी जो है यहाँ पर मुझे जो है बहुत अच्छी जानकारी मिली हमारे जो है जानवरों के लिए किस तरह का चारा होना चाहिए। अभी जो है रिसर्च में जो है किस तरह की अभी जो अत्याधुनिक चीज़ें जो आ रही है मार्केट पे, फसल है चारा है जो भी है, तो यहाँ पर जो है मक्का भी है और जो है हरी घास है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। ये कि गाजर है ना, गाजर हाइब्रिड गाजर, और ये है शलजम, और ये बांकला, काफ़ी समय बाद देख रहा हूँ। मूली है, धनिया, पालक, काफ़ी चीज़ें हैं, सब हाइब्रिड है ना। तो इसमें जो पैदावार है ये हाइब्रिड नहीं होता, किचन गार्डन के लिए है। अच्छा अच्छा, इसमें कोई भी जहर इस्तेमाल नहीं करना है।
अच्छा, मतलब हेल्दी है, मतलब हेल्दी है। अच्छा, सेब इसमें कोई दवाई यूज नहीं की जाती है? इस्तेमाल नहीं करें, रासायनिक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देना इसको। हाँ, तो यहाँ पर लगे हुए हैं दराती, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, कुटला कहते हैं, क्या कहते हैं, कुदाल है, कुल्हाड़ी, बहुत सारे लोहे के आइटम हैं, कढ़ाई है लोहे के, बहुत ज़्यादा सामान है, फावड़े हैं। तो यहाँ पर जो है किसानों से संबंधित ही चीज़ें हैं। ये देखिए, कटाई गुड़ाई की चीज़ें हैं और घर के चीज़ें भी हैं काफ़ी। तो यहाँ पर जो है पूरा लोहा लकड़ का ही सामान है, किसानों से संबंधित, घर से संबंधित सामान है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दोनों साइड जो है कुदाल है, फावड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतनों के नाम तो मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें लगी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बन रहे हैं पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न बनाने की मशीन इस तरह की होती है, देखो तो ताजे बनाए जा रहे हैं। सैनी सोडा सॉप, तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक इस तरह से बनाई जाती है, तो अलग अलग फ्लेवर में। तो ये भाई साहब बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं इसको? इसके फ्लेवर आते हैं। अच्छा, तो बता रहे हैं इसके फ्लेवर आते हैं, तो इसको मिक्स करके मशीन से बनता है ना अंदर पूरा? तो कितने की मशीन आती है ये मशीन भैया? अब तो महंगी है, उस समय तो सस्ती आई थी जिस समय हमने ली थी। करीबन कितना? लगभग 3 लाख की पड़ी थी। बाबर, बहुत महंगी मशीन है भाई, 3 लाख की। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। चलो, आप सही चल रहा काम। मैं आ गया हूँ फूलों की दुकान पर, तो ये गाना भी है। तो ये देखें, यहाँ पर है फूलों की दुकान। फूलों की दुकान का मतलब फूलों के पेड़ है, उसे आप लगा सकते हो। बहुत अच्छे पेड़ हैं, हाइब्रिड हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि देखो कितना छोटा पेड़ है और इसमें जो है फूल आ गया यार। ये तो ये देखो, यहाँ पर तो रुद्राक्ष भी है, मालूम नहीं है रुद्राक्ष लगेगा या नहीं। बहुत सारे हाइब्रिड पेड़ हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो फूल है, ये सभी फूल जो देखिए काफ़ी छोटे फूल हैं, पेड़ हैं, लेकिन पेड़ छोटे हैं पर फूल आ चुके हैं। तो हाइब्रिड यही चीज़ होती है कि इसमें जो है पेड़ बड़े, छोटा फल और फूल जल्दी आता है। यार देखो, एकदम इतना छोटा पेड़ है और देखो मैं बैठा हुआ हूँ और इतने छोटे पेड़ में जो है लग गया है माल्टा। तो संतरा है, माल्टा पता नहीं। ये तो बता रहे हैं कि सच में रुद्राक्ष का पेड़ है, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अभी मैं आ गया हूँ दूसरी दुकान पे और यहाँ पर देखो बहुत सारे फूल हैं, फल हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पर है नींबू का पेड़, कितना छोटा पेड़ है देखो, इतना छोटा पेड़ और फल आ गया है। आखिरकार मुझे मिल गया है गुलाब का पेड़। अगर यदि आपको किसी को गुलाब देना हो तो आप गुलाब का पेड़ लगा सकते हो, आसान रहेगा, आप रोज़ देख सकते हो। ये 100 रुपये का, ये 50 रुपये। मुझे मिल गया है चिड़िया का घोंसला, तो ये आर्टिफिशियल है, तो नेचुरल नहीं है। और बता रहे हैं कि इसमें जो है चिड़िया रह सकती है, यदि उसने इसे देख लिया तो रही लेगी, तो अच्छी चीज़ है। वाह, मुझे मिल गया है पेंगुइन, 3-3, वाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। यहाँ तो फूल ही फूल है, देखो आपको जो है एक बार सही से दिखाता हूँ, एकदम क्लोज करके एकदम तरीके से। यहाँ इनका नाम तो मैं नहीं जानता, तो बहुत प्रकार के हैं, इतने नाम कौन याद रखता है। चलो आगे चलते हैं, ये देखो बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो इतने छोटे छोटे पेड़ हैं और फूल आ चुके हैं भरपूर, तो सारे फूल खिल चुके हैं। ये नहीं कर पाया भाई, ये इसका निशाना कमजोर है, पबजी नहीं खेलता शायद ये। तो दोस्तों अभी मैं देख रहा हूँ कि रास्ता कहाँ को जाने का है, कहाँ को आने का पता नहीं लग रहा है। मैं तो अभी मेले से बाहर निकल गया था, बच गया। तो फिलहाल जो है मेले पे चलते हैं, और हमारे जो कमल भाई वो खो गए हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पर है साईं सीड्स और इनकी जो है बहुत बड़ी दुकान है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या बीज है। ये देखिए, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी दुकान है ये, और वहाँ तक जो है बीज ही बीज लगे हैं। ये है सरसों का बीज, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दवाई भी है, गेहूं के बीज हैं, हरे रंग के क्यों हो रहे। तो ये भाई बता रहे हैं कि ये जो है दवाई लगाने से हरा है, तो मुझे लगा क्या पता हरा बीज आने लगा हो, तो हरा बीज नहीं है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारा बीज है, बहुत प्रकार का हाइब्रिड है।
तो इस तरह से बीच को सजाया गया है। यह है कद्दू का बीज, हीरा हीरा, यहाँ तो हीरा ही हीरा है। तो ये है बीन्स का बीज, तो अच्छा ये तो ये बीज है ना, और बाकी पैकेट में आता है क्यों? अच्छा पूरा डब्बा है, पीपर है, वो सूट पीपर है, शिमला मिर्च जैसे कहते हैं, और जेके वाला सर, जेके का। तो यहाँ पर अलग अलग ब्रांड के हैं ना सारे? अच्छा, ये मतलब हर ब्रांड का रखते हो? तो यहाँ पर कई ब्रांड हैं, तो जेके है और सिमीज है, वायर है। तो ये हो रहा है बबल सूट, इस तरह से बबल उड़ रहे हैं। यहाँ पर है फूलों की दुकान, बहुत सारे फूल हैं, आर्टिफिशियल हैं, असली नहीं है, देखो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत सारे फूल हैं देखो, यहाँ से यदि आपको असली के फूल चाहिए तो आप जो है इस तरह के बीज ले सकते हो। तो चलते हैं। तो यहाँ पर हैं रंग बिरंगे गुलाब के फूल, यदि आप अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहते हो तो रेड सफ़ेद दो कलर तो मिल ही जाते हैं यहाँ पर। यदि आप चश्मा पहनने का शौक़ रखते हैं तो यहाँ पर जो है आपको किसान मेले में चश्मों की दुकान भी मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छे चश्मे हैं और टोपी हैं बच्चों के लिए। तो किसान मेले में किसानों के साथ साथ हमारे जो है काफ़ी चीज़ें और भी हैं, जैसे महिलाओं के श्रृंगार का सामान लगभग सभी कुछ मिल रहा है यहाँ। ये देखिए बहुत कुछ है यहाँ जो है, आपको जूते चप्पल भी मिल जाते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं, वाली बात नहीं है, किसी का जूता चप्पल ख़राब हो जाए तो मिल ही जाता है। अब यहाँ जो है रात हो चुकी है, हल्की फुल्की लाइट है, इतनी लाइट से जो है मेरा कैमरा काम नहीं करेगा, तो मुझे जो है अब अपना जो है DSLR में लाइट लगानी पड़ेगी, तो लगाते हैं। तो लगा दी मैंने लाइट और आप जो है वीडियो की क्वालिटी देख सकते हो। तो अभी जो है मैं आपको पहले यहाँ पर कपड़े दिखाता हूँ किस तरह के कपड़े आए हैं, और यहाँ पर जो शॉपिंग करने वाले हैं तो उनको भी आपसे मिलाता हूँ। अच्छा ये महिलाएं आई हुई हैं, तो आप कहाँ से आए हो मेले पे? अच्छा पंत नगर के रहने वाले हैं, तो अभी शॉपिंग कर रहे हैं कपड़ों की, तो यहाँ पर जो अच्छे कपड़े हैं काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, तो भाई साहब से मिलते हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले तो हरदोई के, लेकिन होली चौक पर रुद्रपुर में शॉप है। अच्छा रुद्रपुर पर मार्केट है इनकी। यदि आप रुद्रपुर के आसपास रहते हो तो आपको जो है तो इस तरह के आपको कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पर, काफ़ी फैशनेबल हैं, अच्छे कपड़े हैं। ये देखिए, तो मैं भी जो है बिंदु खत्ता का रहने वाला हूँ, अगर रुद्रपुर आया तो इनसे भी जो कभी शॉपिंग करेंगे। तो अब हाँ वैसे बिंदु खत्ता जो है बहुत बड़ा गांव है और 1 लाख की जनसंख्या है, तो ये बिंदु खत्ता के ही हैं और मैं भी बिंदु खत्ता का हूँ, तो इन्हें लग रहा था कि मैं कहीं बाहर से आया हूँगा, तो ये डायरेक्ट मेला तो बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही जो चलते हैं आगे मेले में और आपको जो है और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे कपड़ों की दुकान लगी है, तो इतनी चीज़ें तो मैं दिखा नहीं सकता फिलहाल, तो बहुत टाइम हो चुका है और रात हो चुकी है, कब मैं आया था और कब कितना टाइम हो गया है। यहाँ पर जो है धान लगाने की मशीन भी है, हैरो है, और मेड़ बांधने के लिए भी है, मशीन काफ़ी ज़्यादा है, अभी बंद है, तो ये लोग क्लोज करके जा चुके हैं। यहाँ पर सबसे खास चीज़ वो है ड्रोन, शायद मेरे ख्याल से अत्याधुनिक है, अभी बहुत समय बाद शायद मैं सेकंड टाइम देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने यूट्यूब पर देखा था फर्स्ट वीडियो, तो सेकंड टाइम रियल में देख रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। तो ये है ड्रोन, खेतों में जो है कीटनाशक छिड़कने के लिए होता है, अभी ये ऑन है, तो अभी प्ले नहीं किया गया, उड़ाया नहीं गया है, शायद इसका ट्रायल हुआ होगा तो मैं यहाँ पर तो नहीं था कि शायद मैंने किया नहीं किया। तो इस तरह की यहाँ पर नोजल लगी है, तो यहाँ से होता है इस पर, तो इसके जो पंखुड़ी हैं बहुत बड़े हैं, अभी क्लोज किए गए हैं, तो मेटल के हैं काफ़ी, बहुत मजबूत भी हैं। तो यहाँ लगे हैं ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, तो मैं आपको जो है नज़दीक से दिखाता हूँ। तो ये तो है 6510, काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर है यार, सोनालिका 5620, बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं। तो ये भाई बैठे हैं, देखो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना बड़ा ट्रैक्टर है। तो यहाँ पर सोनालिका के बहुत ट्रैक्टर हैं एकदम, देखो सामने प्रोजेक्ट में दिखाया जा रहा है कि किस तरह के फीचर हैं।
तो यहाँ तो ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हैं, बहुत सारे ट्रैक्टर हैं। न्यू हॉलैंड 3630। यदि आपको जनरेटर चाहिए तो आप ले सकते हो। तो यह है साइलेंट पावर, एकदम मतलब साउंड आएगा ही नहीं, तो बहुत पावरफुल है। इसका अल्टरनेटर देख के लग रहा है कि बहुत पावरफुल होगा। कितने किलोवाट का है ये? 20 KV का है। सो 20 KV का है, बहुत पावरफुल है। तो इसमें आप जो है किसी मतलब ऑफिस के लिए यूज़ कर सकते हो, घर के पर्पज के लिए तो नहीं है। AC आप इसमें जो है कम से कम 8-10 AC चला सकते हो आसानी से। शायद मेरे ख्याल से 5-6 तो आराम से चल जाएंगे। हाँ 5 AC आराम से चलेंगे, बाकी और चीज़ें भी होती हैं चलो घर पे या ऑफिस में। तो मेरे ख्याल से 5 AC और प्लस आपका कंप्यूटर लैपटॉप सारी चीज़ें चल जाती हैं। तो ये है छोटी छोटी मशीनें। यदि आप पहाड़ों पर रहते हो, ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर आपका ट्रैक्टर बड़े ट्रैक्टर नहीं जा सकते हैं, और साथ ही जैसे आप चाहते हैं कि मुझे छोटा सा खेत है तो नेराई उड़ाई इससे हो जाती है। देखो इतना छोटा है, बहुत छोटा है। तो यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी मशीनें हैं निराई गुड़ाई के लिए। तो अभी एक भाई ने यहाँ पर स्टार्ट करके भी दिखा दिया गया है इस तरह का सा साउंड होता है, और चलाने में कुछ इस तरह का, देखो इस तरह से चलाते हैं। नीचे लगे हैं ब्लेड हैं, तो यहाँ पर ये जो है ज़मीन की खुदाई के लिए भुरभुरी कर देता है मिट्टी को। यह है धान कटाई, गेहूँ कटाई के लिए एकदम बिल्कुल जो है बाद के साइड में कर देता है धान को। ये भाई जो है ट्रायल ले रहे हैं इस तरह की मशीन। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ घर में यूज होने वाली बहुत काम की चीज़ें। तो यहाँ पर जैसे कि लगे हुए हैं गार्डन में कटिंग करने के लिए, ये हैं बड़ी बड़ी कैंचियाँ, और ये है घास काटने के लिए। यदि पार्क में आपका जो घास बड़ा होता है तब ये यूज़ किया जाता है, इस तरह की मशीन है। तो इनका प्राइस भी इसमें लिखा गया है, तो 16,000 की ये मशीन है घास काटने के लिए। आपका जो है पार्क आसानी से इसलिए जो है पार्क को सफाई कर देती है। तो यहाँ पर बहुत सारे औजार हैं जिनके सभी नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। तो ये देखिए इस तरह के सामान हैं, शायद आप इनके नाम भी जानते हो। यहाँ पर रखी है स्प्रे मशीन, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी स्प्रे मशीन भी है, ये देखो। तो यहाँ पर है लकड़ी काटने की आरा मशीन, छोटी वाली मिनी आरा मशीन, बहुत पावरफुल होती है। पेड़ों को ये जो है 10-20 सेकंड में ही काट के फेंक देती है। ये है दूध निकालने की मशीन, गाय भैंस का दूध निकालना है तो ये पड़ती है आपको 51,000 से लेकर 48,000 तक की ये मशीन है। देखो ये है दूध निकालने वाली मशीन। यहाँ है ड्रिल मशीन, इनबिल्ट बैटरी, जिसका प्राइस 10,000 है, 13,000 है, 24,000 है। सारी बैटरी बेस्ड है। यदि आपको इस तरह के प्रोडक्ट चाहिए तो बुश आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, मार्केट से भी ले सकते हो। तो ये क्या चीज़ है? सही मेजरिंग करने का है। अच्छा मेजरिंग क्या? अच्छा सेंसर है, मतलब तो मैं यहाँ पर आया तो मैंने सोचा कि आपको जो है यहाँ पर जो गर्म कपड़े हैं कंबल हैं तो उनके प्राइस क्या है और किस हिसाब से बेच रहे हैं और कहाँ के रहने वाले हैं तो जानते हैं। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? अच्छा किच्छा से आए हो, तो लोकल के ही है। तो यहाँ पर जो कंबल है ये क्या किस हिसाब से आप दे रहे हो? जैसे सेट है पूरा, क्या कितने कंबल? अच्छा सिंगल पीस कितने का है? सिंगल पीस मिल जाता है 200-250। अच्छा तो बता रहे हैं कि सिंगल पीस 200-250 का मिल जाता है, तो ठीक प्राइस है। कंबल भी मुझे ठीक ही लग रहा है, मतलब आप हल्की फुल्की ठंड में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ जो है आपको रसोई के लिए जो है करछी है, चम्मच है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, चाकू छुरे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। किसान मेले में किसानों के साथ साथ आपको जो है घर के सभी सामान मिल जाते हैं। तो ये हैं छल्ले, कई प्रकार के लगे हुए हैं। तो अंगूठियाँ भी मिल जाती हैं, यदि आपको किसी को गिफ्ट करना है तो मिल जाती है। कितने की अंकल ये? 10 रुपये। अच्छा 10 रुपये की अंगूठी है, और बहुत शानदार बहुत खूबसूरत है। अब मैं देख रहा हूँ कि शाम होती जो है यहाँ भीड़ बढ़ गई है, और मैं सोच रहा हूँ कि अंधेरा होने के बाद तो मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो भीड़ बढ़ रही है। तो मेले में जो है मतलब दिन में तो गर्मी रहती है, लेकिन शाम होती है यहाँ पर जो है इतनी भीड़, भाई इसमें से निकलना बहुत कठिन है। फिलहाल जो है गांधी हॉल तो जाना ही है, तो आपको जो है मैं वहाँ पर दिखाता हूँ। और साथ ही आप पीछे देख सकते हो कि मेला किस तरह का है। तो रात होने के बाद जो है लाइटों की जो है जगमगाहट तो और भी प्यारी, मेले को शानदार बना देती है। तो यहाँ पर मिलता है आयुर्वेदिक च्यवनप्राश, अश्वगंधा है, श्वेत मुसली है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मिलता है दर्द निवारक ऑयल, तो ये दर्द जो है जोड़ों का मसल्स का है, दिल का दर्द कम नहीं करती है। तो ये है 300 रुपये किलो,
नींबू का अचार ऐसा लग रहा है मुरब्बा है, एकदम मीठा होगा, चीनी एकदम सरबत टाइप का लग रहा है देखने में। मीठा है ये साथ बनता है ये आम का मीठा है, आम लच्छा। अच्छा देखने में बहुत खूबसूरत है। 150 रुपये का आधा किलो। तो यहाँ मिल जाता है आपको ऑलिव ऑयल, तो ये लगी हैं बोतलें, तो इस तरह की बोतलें हैं। तो ब्रांड नेम क्या है? हर्बल जी। अच्छा अब समय हो गया है आपको जो है किसानों से संबंधित ट्रैक्टर दिखाने का, कि छोटे से लेके बड़े तक। तो ये है सोनालिका बागवान 13RX। तो आगे चलते हैं, तो ये बड़े ट्रैक्टर में क्या चीज़ है देखते हैं। तो ये तो है 734, और इसका जो साइलेंसर है अभी गर्म है, शायद ये अभी चलाया होगा, स्टार्टिंग करके किसी को दिखाया होगा। और बहुत बड़े ट्रैक्टर है देखो, ये है इंट्रा पिकअप। तो जो किसान भाई लोग जो है खेतों पर अपने चारा लेके जाते हैं, या कोई चावल आटा बोरी तो गेहूं चावल कुछ भी लेके जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और इसका केबिन भी अच्छा है। तो सामने का लुक कुछ इस तरह का है देखो। तो यहाँ पर है दूसरा पिकअप, तो ये ब्रांड नेम देखते हैं। तो सामने से तो एकदम काफी कंपनी का ब्रांड क्या है, टाटा की है, योद्धा 2.0। अच्छा योद्धा 2.0। अच्छा अच्छा इसमें क्या पावर स्टीयरिंग ये वो सब मिलता है? तो इस गाड़ी में आपको एसी मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग है, मतलब एक कार वाली फील आती है चलाने में। और है ये पिकअप देखो, वो काफी एकदम मॉडर्न है। मैं घर से निकला था 5 बजे, और यहाँ जो है 6:30 हो चुका है। अब मैं पहुँचा हूँ, अब जाके पहुँचा हूँ गांधी पार्क में। तो मैं आपको पार्क दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितने लोग हैं और कैसा ये पार्क है। तो दोस्तों ये है गांधी पार्क, तो फिलहाल जो है यहाँ पर लोग रेस्ट कर रहे हैं। तो रात हो चुकी है, तो उतना मैं क्लियर विजिबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो गई है। तो मैं आपको जो है बीच, यह है गांधी पार्क। तो यहाँ पर जो है गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है एकदम गोल्डन कलर में। पार्क को काफ़ी साफ सुथरा एकदम बहुत बढ़िया तरह से सजाया गया है। तो सामने गांधी हॉल भी है। गांधी पार्क तो हमने देख लिया है, अब चलते हैं गांधी हॉल पे। तो वहाँ पर देखेंगे कि अभी प्रोग्राम क्या हो रहा है, तो वहाँ पर प्रोग्राम भी होते हैं, तो अभी चल के देखते हैं। किसान मेले में बहुत कुछ है दिखाने को, इतना सब कुछ दिखाने का तो अपने बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अब जो है घर जाने का समय हो गया, काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे यहाँ। तो लास्ट टाइम मैं जो आपको यहाँ पर कुछ मोटरें दिखाता हूँ, कि यहाँ पर जो है यदि आप घर पर जो है पानी का पंप लगाना चाहते हो तो किस तरह का यहाँ पर पंप मिलता है। तो चलो देख लेते हैं ये भी, ये है पानी की मोटर, ऐसे यहाँ पर जुगाड़ किया गया है पानी के लिए। तो इसका जो पावर है 230 वोल्ट सिंगल फेज और 1.5 किलोवाट का है, 2880 RPM, 13,000 की ये मोटर है। ये है मोटर के कुछ स्पेयर पार्ट, तो यहाँ पर टुल्लू पंप है, छोटे हैं बड़े काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये है लूवी ब्रांड, ये इनबिल्ट वाटर मतलब पाइप के अंदर ही ये लगते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, 400-500 मीटर की हाइट तक ये पानी पहुंचाते हैं। ये है बहुत पावरफुल मोटर, तो ये जो है कुट्टी मशीन चारा गाड़ने में यूज़ की जाती है। मोटर यूनिवर्सल है, आप इन मोटरों का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो। ये है पानी का मोटर, 16,000 की मोटर है। अब चलते हैं दोस्तों घर को, और यहाँ जो है अब और भी लोग सभी लोग घर को ही जा रहे हैं, टाइम हो चुका है। तो मेला आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। तो अब चलते हैं घर को, रेस्ट करते हैं, काफ़ी थक गया हूँ। पानी जो है यहाँ पर पीने को पानी तो मिल ही जाता है। यहाँ पर जो है दुकानें तो काफ़ी दुकानें क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन फिलहाल जो है अभी जो है हमारे गांव के भी लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि मेला बता रहे हैं कि 12 बजे तक ये मेला रहता है। हेलो हेलो, तो मेला तो जो है 12 बजे तक रहता है। फिलहाल हम चलते हैं, तो आपको जो दिखाना था मैंने यहाँ पर किस तरह का मेला लगता है, क्या चीज़ यहाँ मिलती है, तो आपको शायद मेला पसंद आया हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।